हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ से देहरादून के लिए निकल चुका हूँ और अभी ओला में बैटरी है 80%। अब देखते हैं ये क्या परफॉर्म करती है। गाइस, काका लेडी आ चुके हैं और रेंज अभी बच रही है 72 किलोमीटर की, 72%। अब देखते हैं देहरादून तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये देखो भाई। लो भाई, हाईवे पे चढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। लो भाई, क्रूज कंट्रोल पर डाल दिए, देखो ये देखो ये देखो, और चल रहा है अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो गाइस, क्रूज कंट्रोल का जो फायदा है ना, अक्सर हमारे लेफ्ट हैंड को तो सपोर्ट मिल जाता था वैसे बाइक पे विदाउट क्रूज कंट्रोल वाली में, लेकिन बट जो इसमें आराम मिल रहा है ना भाई, मतलब राइट हैंड से भी हम कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब फोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम रिकमेंड नहीं करते फोन इस्तेमाल करने को, मतलब बाइक पे देखो ऐसे, मतलब और थोड़ा सा हैंड को रेस्ट सा भी मिलता है, ये देखो लो भाई। अब हाईवे खत्म हो गया और जंगल स्टार्ट हो गया, अब आगे आपको दिखाते हैं ये पहाड़ों में क्या परफॉर्म करता है। अब इसमें रेंज बच रही है भाई 69 किलोमीटर की, और देखते हैं इसके मतलब रेंज होती है या नहीं, ड्रॉप होती है या नहीं। लो भाई, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं देहरादून बचा 25 किलोमीटर, यहाँ से रेंज दिखा रहा है 51 किलोमीटर की। अब देखते हैं भाई क्या परफॉर्म करता है, नॉर्मल मोड में चलाएंगे इसे, फिर देखते हैं। गाइस, हम देहरादून से 21 किलोमीटर पहले खड़े हैं भाई, परफॉर्म तो ये ठीक कर रहा है, बट भाई रेंज ड्रॉप तो हो रही है इसकी। अब बचाइए, 46 की रेंज दिखा रहा है, ये देखो। ये देखो जी गाइस, ये पहाड़ों में चढ़ रही है, इसके मोड़ के जंगल में ओला एक्सपल करो, परफॉर्मेंस तो ठीक दिखा रही है, लेकिन भाई बस बस यार। भाई देहरादून में घुस चुके हैं अभी, और रेंज दिखा रहे 35 किलोमीटर की भाई, रेंज बहुत ड्रॉप करी इसने, लगभग 32, और ये मान लो 18 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप कर दी इसने, 80% बैटरी, और चढ़ाई भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा खास नहीं थी अभी। तो गाइस पहुंच चुके हैं, अब देखो भाई इसमें जो रेंज बच रही वो बच रही
थे ये लोग, इसमें बची 14 किलोमीटर की। और जब हम वहाँ से चले थे ना तो इसमें रेंज थी 110 किलोमीटर की, हम 80 किलोमीटर हम चले और भाई 80 और 14 94 में, तो 16-17 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हुई भाई।